आइसक्रीम और हमने ये दो केक लाए हैं। मैं आइसक्रीम खोल के बताती हूँ। देखो ये दो आइसक्रीम लाए हैं। पिघल पिघल गई है ये देखो। पूरी पिघल गई है। कुछ नहीं, लल्ला को इतनी चल जाएगी, पहले लल्ला को दे देती हूँ। लल्ला ये देखो आइसक्रीम के लिए कैसा आया है। आज आइसक्रीम कौन खाएगा, आइसक्रीम कौन खाएगा, अले अले आइसक्रीम। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो 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 उसको क्या चला है, देखो क्योंकि उसको ये बहुत पसंद है मेरे लल्ला को ना। लल्ला को चाहिए। आजा आजा नीचा नीचा, पापा मैं देती हूँ। आ लचो ना, आजा आजा। इसे ना मैंने कहा था सुबह ही कि आज मैं तेरे लिए आइसक्रीम लेके आऊंगी। देखो चलो अभी मैं इसको खिला के, कुछ समझ में आया क्या? पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इस तरीके से ये दानिश ने मुझे फूल दिए पूरे 14। और ये रहे दानिश। दानिश खूबसूरत लग रहे हैं ना माशाल्लाह। सलाम तू क्या, ये देखो इसको हटा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहितौक्कलतुअल्लाह اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم। दानिया को मैंने अभी 14 साल हो गए हमारे निकाह को। अल्लाह के करम से जितना अल्लाह पाक ने हमको दिया है उसमें हम बहुत खुश है। और बिस्मिल्लाह बोल के अभी 14वीं सालगिरह मनाते हैं शादी की, वेडिंग एनिवर्सरी। और उसके बाद में हम कहीं दानिया को लेके जाएंगे घूमने को। बिस्मिल्लाह। बच्चे सब सोए। ऐसी दानिया है ना वैसा उसका केक भी है ये फेरी का। हमेशा हम लोग डच लाते हैं लेकिन ये फेरी में जरा चेंज किया है हमने। तो बता दिया आगे। उसका कारण ये है कि दानिया का ऐसा मूड हो गया कि चलो जरा चेंज करेंगे। हकीकत में वहाँ पे हमने जहाँ पे से लिए ना केक, वहाँ उसने हमको ट्रायल के लिए दिए थे पीस, तो ये तो एक नंबर है। वो रसभरी है वो तो उसका भी बाप है। दोनों भी इतने तो प्यारे। ये मैंने लाया था रेलवे में, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और अभी तुम आज सोचते हैं कि मैं बहुत माशाल्लाह दिख रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ, पतला दिख रहा हूँ, तो उसका जो है क्रेडिट वो भी दानिया को जाता है क्योंकि इसने ऐसे चुन चुन के कपड़े लिए है ना मेरे लिए क्या बस पूछो मत। बहुत चुन के, बहुत दुकान इधर का उधर का। और हम दोनों की तरफ से आपके लिए भी, जो मैं दानिश को ही खिलाती हूँ। तो उसके पसंद से कपड़े, और इतने कपड़े भी टेलर ने माशाल्लाह सिलाए है एकदम परफेक्ट। और दानिया को बहुत पसंद है, ये सब में बड़ी बात है। उसको इस बार मैं एक बात बताना चाहूंगी। क्या पता है क्या, कि इस बार कपड़े मैंने सिए है मनोहर में है ना। हाँ। तो लेकिन उन्होंने कपड़े बहुत अच्छे से, पहली बार अपन ने दिए ना इसके बाद, पहले दिए थे एक बार दिए थे। और वो जो था ना मास्टर बोलता था, बोलता था जो पहले अपन सीते थे ना कपड़े मस्ताना के, जिसने मेरा शर्ट गलाया के पैंट गलाई, उसका जो आदमी था ना वो नावजे का था, वो एक्सपर्ट था, वो भाग गया था उसके हाथ से। तो अभी क्या किया इसने, उसको पैंट मेरे वाले किसी और कोई सीता ही नहीं, तो उसने क्या किया, ये दूसरा है ना उसका भाई है, तो इसने उसको वहां से पटाके अपने इधर लाया है। तो देखा तो मैंने वो आदमी था, ये है तो मेरे तेरे का फिक्र है, कल डिलीवरी नहीं गया तो वो नहीं था, वो आदमी था। तो पेन के और पेन के क्या देखेंगे, तुमने से आए ना, नहीं जरूर इतना वो तेरा एक्सपर्ट है। और ऊपर से दानिया का उसको चालू रहती है ना ताकि ऐसा सेम टू सेम ये टू ये। मुझे कपड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, मैं देती भी हूँ। अच्छा लग रहा है ना वैसे। वैसे एक ही ड्रेस नहीं है, दो ड्रेस है दानिश के लिए, मैंने दो ड्रेस लिए केक इतना अच्छा है, कैसा लग रहा है, बस खाते ही रहे है ना। मेरा से पहला ड्रेस खाया तूने? सोच में बहुत दो क्या था।
पलटी हो गई गाड़ी, पलटी हो गई। नहीं नहीं चला चला बड़ा बड़ा बच्चे को भी टेस्ट कराएंगे, खाया तो खाया। लाओ लल्ला लल्ला वहां है लल्ला, बच्चे को टेस्ट करा के आया हूं। दीदी मेरा पापा लल्ला ये कितना बड़ा केक लाया मेरे पापा के लिए, ये ले देखते हैं उसको पसंद आता है क्या। ले पापा हाँ है, जबान निकाली अभी खाएगा, जबान निकाली ना खत्म। हम सक्सेस रहे, मेरे पापा ने केक खाया, मतलब हम तो हमेशा लाना पड़ेगा। अब ये काम करते हैं, छोटे डिश में एक पीस रख के जाएंगे। नहीं वैसा नहीं खाएगा वो, नहीं नहीं वो नहीं, वो तो कौन सा कुछ तो भी खाएगा ना। कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आबाद रखे और अपनी आमाल में रखे। आमीन आमीन सुमा आमीन। आज है हमारी एनिवर्सरी, 14 साल आज पूरे हो गए हमें, 14 साल हो गए, 24 अगस्त ये गुड़िया मेरी जिंदगी में आके 14 साल हो गए और अल्लाह के फजलो करम से मैं बहुत खुश हूँ कि ये अच्छा मेरा को नमूना दिया। तो इस तरीके से और मेरे बाल में गजरा लगाया है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, नहीं बता बता। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, जरा 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 दिख रहा है, देखो गजरा देखो कितना प्यारा है इसका। ऐसे अल्लाह ताला इसकी गजरे की तरह इसकी जिंदगी महकती रहे। गजरा और ये दुपट्टा मेरे ड्रेस का नहीं है, ये मेरा एक वन पीस है व्हाइट कलर का, उसका है तो मैंने इसके लिए मैच कर लिया क्योंकि मेरे को कल रात में कुछ मिला नहीं तो मैंने सोचा चलो मेरे पास तो नया ड्रेस था ही लेकिन दुपट्टा नहीं था सिर्फ, तो मैंने दुपट्टा एडजस्ट कर लिया है। तो आप लोग हमारे लिए दुआ करो। कपड़े बताओ, हाँ सच में मुझे ना बहुत अच्छे लग रहे सीने के बाद। मैच किया देखो उसने बराबर, दिमाग देखो उसका कैसा मैच किया है। और तुम लोग से गुजारिश है कि तुम लोग सब हमारे लिए दुआ करो, दुआ करें बहुत सही। आमीन आमीन। तो चलो अभी हम लोग निकलते हैं, फिर वापस मिलेंगे। अब मैंने फिर से नई वाली चप्पल पहन ली है, मेरी अच्छी लग रही है ना, मुझे बहुत पसंद है ये, मुझे इतनी हील अच्छी लगती है। दूसरा बोल रही हूँ, आ जाओ आओ, रुको आजा आजा, कुछ और देते हैं। यहाँ हमने फातिया के लिए पेड़े और जलेबी लाई थी, जलेबी का प्लान नहीं था लेकिन गरम गरम निकल रही थी तो ली, और यहाँ पे हमने वो सब फातिया देकर बांट दिया था तो बहुत अच्छा लगा कि फातिया भी मस्त हो गई। तो हम आए थे दरगाह पे बाबन शाह बाबा के इधर जीरा फाटे पे, माशाल्लाह अच्छे से नमाज भी पढ़ी हासिल की और फातिया भी हो गई, मैंने नहीं पढ़ी है, और दुआ भी मांगी खूब सारी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा, आमीन। दूसरी बात, फूल हम लोग घर से ही लेकर आए थे क्योंकि दानिश ने कल फूल लाए थे ना वो बहुत ज्यादा थे, उन्होंने पूरी गड्डी लाई थी और मुझे उनको सिर्फ 14 देने थे, तो 14 के ऊपर के जो फूल थे ना वो हमने यहाँ लेकर आए थे। देखा एक में दो काम पटा गए। बिल्कुल बिल्कुल होशियार है मेरी आवाज, बहुत होशियार माशाल्लाह, क्योंकि इनको मुझे 14 ही देने थे तो बाकी के फूल क्या करने वाले थे, तो यहाँ आना ही था तो फिर हम लोग यहाँ लेकर आए, और यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा ना दानू जी, दानू जी ऐसे थोड़ा सा ये लेते हैं ना, अच्छा लग रहा है। वैसे हम लोग यहाँ पर बहुत टाइम बाद आए,
क्योंकि बारिश के दिन है ना, बारिश के दिन है, इधर भी देखो कितना चिकड़ है। हाँ बहुत चिकड़ है। और यहाँ ये जो गार्डन था वो गार्डन इतना खूबसूरत हो गया, एकदम हरा भरा, बहुत अच्छा लग रहा है ना।